नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर स्पीकर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लासा एपिसोड डॉग की प्योरिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ है रूबी, रूबी बेबी। ये एक लासा एपिसोड की ब्रीड है, 2.5 मंथ ओल्ड है। आप देख सकते हैं ये एक लासा एपिसोड की ब्रीड है और कितनी प्रीमियम ब्रीड है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि लासा एपिसोड डॉग की प्योरिटी हम कैसे पहचाने। तो पहले मैं आपको लासा एपिसोड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ। लासा एपिसोड जो ब्रीड है उसका जो ओरिजिन है वो टिबेट के लासा रीजन से है। लासा रीजन में इसका ओरिजिनेट हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम ब्रीड है, यानी हेयरी ब्रीड होती है ये, और बहुत फैंसी टॉय ब्रीड्स में आती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लासा एपिसोड जिस घर में गिफ्ट, यानी जिस घर में गिफ्ट दी गई हो उस घर में बहुत ज़्यादा लक आ जाता है, यानी ये बहुत लकी ब्रीड है। दलाई लामा ने इस ब्रीड को खास प्रमोट किया था। तो दोस्तों आप लासा एपिसोड की ब्रीड कैसे पहचानी जाए, ये आप देख सकते हैं कि इसके हेयर, इसका फेस स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। कैमरे में थोड़ा सामने आके दिखाइए। तो दोस्तों आप इसका फेस स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसका फेस किस तरह से होना चाहिए। तो ये लासा एपिसोड का ओरिजिनल फेस है। आपका लासा एपिसोड का फेस कुछ इस तरह से अच्छा होना चाहिए। आप हेयर्स की बात आए तो हेयर्स की बात से दोस्तों जब हम हेयर्स को उल्टी डायरेक्शन में घुमाएं तो उसकी स्किन आज बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। तो ये कुछ लासा एपिसोड ब्रीड के कुछ प्योरिटी फंक्शंस। पीछे जाइए कैमरे में। तो ऐसी कुछ पहचानी जाती है लासा एपिसोड प्योरिटी। लासा एपिसोड की साइज हमारे नी के साइज की तरह आ जाती है। इसका आप देख सकते हैं कितना हेवी बोन है, हेयर्स भी कितना थिक है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है लासा एपिसोड की प्योर ब्रीड, सिर्फ हेयर से और फेस कटिंग से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेल का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। टेल कुछ गोल गोल होती है। यहाँ पे कैमरा इसकी टेल दिखाई देगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों टेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और बाल आपको इस तरह से मिल जाएंगे। यानी पीछे जाइए आप इसके हेयर देख सकते हैं कितने लंबे लंबे हेयर से। लासा एपिसोड जो ब्रीड है उसके हेयर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, यानी आपके लासा एपिसोड के हेयर्स बहुत लंबे लंबे होने चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल प्योर ब्रीड है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ लासा एपिसोड की प्योरिटी जानी जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।